पठानकोट मंडी एनएस 154 का जो विस्तारीकरण होने जा रहा है, बोर्ड गांव के लोग आज इकट्ठा हुए और सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। गांव बोर्ड के रहने वाले सुदर्शन शर्मा ने बताया कि हमारा कंडवाल से लेकर काली माता मंदिर बोर्ड तक का क्षेत्र है, जो कि नूरपुर का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। इसमें शहरी क्षेत्र अर्बन क्षेत्र आने के कारण उनको टच किया गया है और हमारा जितना भी उद्योग है वो इस विस्तारीकरण के कारण उजड़ रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसका सर्वे किया जाए, जो कि इसका कायदा कानून है कि सर्वे के दौरान जो शहरी क्षेत्र हैं और अर्बन क्षेत्र हैं उनको टच नहीं किया जाएगा। ऐसा नूरपुर में स्पेशल क्यों हो रहा है? जैसे सोलन में पालमपुर में क्षेत्र को जब टच किया गया तो वहां उसके विस्तारीकरण के लिए 28 मीटर का क्षेत्र लिया गया, परंतु यहां ऐसा क्यों हो रहा है कि 32 मीटर पंचायती एरिया में भी और नूरपुर में 45 मीटर के बाद भी 50 और 65 मीटर विस्तारीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर जो सरकार एक चौक बनाने जा रही है उसके बारे में भी आज तक लोगों को नहीं बताया गया है कि वह डिजाइन कैसा होगा। लोग चाहते हैं कि हमें इसके बारे में बताया जाए। जहाँ पर जो अंत्योदय परिवार हैं उनके घर भी जा रहे हैं, 40 परिवार हैं, उनमें लगभग 500 के करीब सदस्य हैं जो उजड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी इसके बारे में अवगत करवाया जा चुका है और कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार को भी अवगत करवाया जा चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी गुहार सुने और हम इस देश में रहते हुए विदेशी होने जा रहे हैं। सरकार से मांग की जाती है कि हमारी समस्या के बारे में सोचें। गांव वालों ने कहा कि अगर सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती है तो 7 दिन के बाद हम धरने पर बैठने को तैयार होंगे और यहां तक कि भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। गरीब है, दो दो चार चार बल्ले जगह है, वो भी चल जाएगी तो अं कि जाना, ना सा कोई जगह है, ना कुछ अगे का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो अं की करना सारे वास्ते नहीं, इतो कि ठालना चाहिए सू। पठानकोट मंडी जो NH 154 का विस्तारीकरण होने जा रहा है उसमें हमारा जो कंडवाल से लेकर काली माता मंदिर तक का क्षेत्र है उसमें स्पेशली मुख्यतः जो बौर्ड क्षेत्र है जो कि जिस नूरपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है उसमें शहरी क्षेत्र अर्बन क्षेत्र आने के कारण उसको टच किया गया है और हमारा जितना भी उद्योग है वो इस विस्तारीकरण के कारण उजड़ रहा है। हमारी सरकार से ये नमन अनुरोध है कि जो इसका सर्वे किया गया है वो अपने जो इनका कायदा कानून है कि सर्वे के दौरान जो शहरी क्षेत्र है अर्बन क्षेत्र है उसको टच नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नूरपुर में स्पेशली क्यों हुआ है? इसका एक उदाहरण है कि जैसे सोलन में या परवाणु में क्षेत्र को जब टच किया गया तो वहां उसका विस्तारीकरण के लिए 28 मीटर का क्षेत्र लिया गया है दोनों तरफ से। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ कि 32 मीटर पंचायती एरिया में और नूरपुर में 45 मीटर और 45 मीटर के बाद 50 मीटर 55 मीटर और 65 मीटर का विस्तारीकरण किया गया। जो यहाँ चौक बनने जा रहा है, जिसका एक चौक बनाने जा रही है सरकार, उसके बारे में आज तक लोगों को नहीं बताया गया डिजाइन के बारे में कि वो डिजाइन कैसा होगा, जिससे लोगों में बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है। लोग चाहते हैं कि हमें इसके बारे में बताया जाए कि जो डिजाइन है उसकी क्लैरिटी की जाए ताकि लोगों को पता चल सके। और जो हमारा गरीब परिवार अंत्योदय परिवार है यहाँ पे, उनके घर भी जा रहे हैं और जितने भी यहाँ 25 30 40 परिवार हैं, कम से कम 500 के करीब उनकी संख्या बनती है सदस्यों की, वो उजड़ रहे हैं। हमारी सरकार से मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने इसके बारे में अवगत करवाया था और पीछे माननीय श्री शांता कुमार जी से भी अवगत करवाया है। हम चाहते हैं कि वो हमारी गुहार सुने। हम तो इस देश में रहते हुए विदेशी होने जा रहे हैं, ताकि जैसे कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके 5-5, 10-10 मरले जगह है, वो जगह जो है जो इसमें इसकी गत में आ जाएगी तो वो एक ऐसे परिवारों से, मतलब उनकी जो हिमाचल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो भी तक नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो लैंडलेस की श्रेणी में चले जाएंगे। तो हमारी सरकार से ये नमन अनुरोध है कि इसके बारे में सोचा जाए। यदि इसके बारे में नहीं सोचा जाता तो 7 दिन के बाद हम धरने तक भी जाने के लिए तैयार हैं और भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हमारी नारी शक्ति और जितने भी यहाँ के लोग हैं वो एकदम इकट्ठे होकर हम सड़कों के ऊपर आके धरने देंगे और अपना हक लेके रहेंगे। धन्यवाद।